जिंदा लाश को ढोता रहा, अपने बुजुर्ग पिता को बेटा व उसका सगा मामा। लेकिन देहरादून से लेकर जॉली ग्रांट तक की हॉस्पिटलों में कहीं पर भी नसीब नहीं हुआ बीमार बुजुर्ग को आईसीयू। तो क्या यही है राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के स्वास्थ्य विभाग के दावे? जहां राजधानी देहरादून में शाम होते ही सक्रिय हो जाते हैं जिंदा लाशों पर गोरख धंधा करने वाले एम्बुलेंस संचालक व एजेंट्स, और पहले से घात लगाए देहरादून के मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस संचालक जिंदा लाशों पर करते नजर आते हैं सौदेबाजी, जिनके लिए ना ही इंसानियत मायने रखती है और ना ही किसी की जिंदगी। उन्हें तो मतलब होता है जिंदा लाशों से होने वाले कमाई के जरिए से। और यह घटना घटित होती है उच्च अधिकारी डॉक्टर आशुतोष सयाना की करबट पीआरओ टीम की मौजूदगी में, जिसका श्रमिक मंत्री करेगा पर्दाफाश। देहरादून मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड जीरो का कड़वा सच देखना न भूलें। एक बुजुर्ग की जिंदा लाश ढोने से लेकर बुजुर्ग के दम तोड़ने तक का सच, सिर्फ श्रमिक मंत्री के फेसबुक लाइव डिबेट पर आलोक शर्मा के साथ। लाइव में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें 7830975639 शुक्रवार 7 मई को शाम 6:30 से रात 8 बजे तक।